लोकसभा चुनावों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है और पार्टियों के नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां करने में लगे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहने पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग ठाकुर के इस बयान को हास्यास्पद करार दिया है, क्योंकि अनुराग ठाकुर की जमीन खिसकती जा रही है, जिस कारण अनुराग राष्ट्रीय नेताओं पर बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही सुक्खू ने सीएम जयराम ठाकुर पर चुटकी लेते हुए कहा कि अपनी सीएम कुर्सी डगमगाते देख जयराम ठाकुर की जुबान बार बार फिसल रही है। सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक बार अपनी हार को देखते हुए अनुराग ठाकुर बौखलाहट में बेतुके बयान दे रहे हैं, जिससे अनुराग की घबराहट का साफ पता चल रहा है। वहीं सुक्खू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकियां लेना बंद करे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सीएम को अपनी कुर्सी की चिंता सता रही है और अपनी कुर्सी डगमगाने की सूरत में सीएम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में घूमकर भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए वोट मांगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सत्ती ने प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के चुनावों के बाद जयराम सरकार के रहने और नहीं रहने के बयान पर भी तीखा हमला करते हुए उन्हें चुनौती दे डाली है। सत्ती ने सरकार के गिरने पर अपने राजनीति छोड़ने और पूरे 5 साल चलने पर अग्निहोत्री की राजनीति छोड़ने की खुली चुनौती दी है। यही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष ने नेता विपक्ष पर शाब्दिक प्रहार करते हुए उन पर पत्रकारिता के समय से अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। सत्ती ने मुकेश को झूठ का मसीहा तक की संज्ञा भी दे डाली। सत्ती ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारिता के समय में भी वीरभद्र और सुखराम के साथ कई नेताओं में दरारें पैदा करने का काम किया था। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में पूर्व सीएम धूमल ने प्रचार तेज कर दिया है। धूमल दिन के समय दर्जनों नुक्कड़ सभाएं कर अनुराग के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। धूमल ने एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर पर आरा मशीनों को बंद करने का आरोप लगाते हुए बयानबाजी की है। धूमल ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर वर्ष 2006 में वन मंत्री थे और उस समय सैकड़ों लोगों के आरा मशीनों को बंद करवाया था, जिसे बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाने के बाद बंद आरा को खुलवाया था। धूमल ने कहा कि 23 मई का इंतजार पूरी दुनिया को है, क्योंकि दुनिया जानना चाहती है कि अब भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने कहा कि ये लोगों को तय करना है कि आखिर देश में विकास करने वाली सरकार चाहिए या फिर सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों की सरकार चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले की थुनाक तहसील में बागा चनोगी के पास ऑल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 5 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने का भी समाचार मिला है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को पीड़ितों के परिजनों को तत्काल राहत व हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रशासन को घायल व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोक संतप्त परिवार सदस्यों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।